हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम श्रीपाद नाइक एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो देखो, आज हम एंड गेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं एंड और गेट के बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखने वाले। देखो, अब तक हमने क्या क्या देखा है। नॉट गेट हमने देखा है, सबसे पहले नॉट गेट देखा है, फिर टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर देखे है, बराबर है, बाई स्टेबल, ए स्टेबल, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फिर हमने देखा है कि ए स्टेबल बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग नॉट गेट हम कैसे बना सकते हैं, वो हमने देखा है, ठीक है। और बाद में हमने क्या देखा, एसओपी पीओएस फॉर्म हम कैसे देख सकते हैं, वो देखा है। एसओपी पीओएस फॉर्म क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर्म में उसे कैसे लिखते हैं, वो हमने देखा है। और हमने मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग नॉट गेट पर कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए। तो अच्छे से अभी अगर ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है तो अभी हम मूव करते हैं आगे एंड गेट की तरफ। तो सबसे पहले एंड गेट हम डिस्कस करते हैं, बाद में और करेंगे, ठीक है। तो एंड गेट में देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टू इनपुट का एक एंड गेट कंसीडर करता हूँ। तो एंड गेट का सिंबल ये होता है आपका, ये आपका एंड गेट का सिंबल है। एंड गेट टू इनपुट्स मैंने लिए, एक लिया ए इनपुट, एक लिया बी इनपुट, और ये आउटपुट क्या जनरेट करता है, ए इंटू बी। एंड गेट क्या करता है, प्रोडक्ट कर देता है, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब वो एंडिंग ऑपरेशन करता है, एंड ऑपरेशन करता है, और एक तरह से वो प्रोडक्ट ही करता है मैथमेटिकली देखा जाए तो। तो बाइनरी फॉर्म के जो भी आपके बाइनरी फॉर्म के इनपुट्स आप इसे अप्लाई करते हैं एंड गेट को, तो वो उसका प्रोडक्ट कर देता है, ऐसे हम कह सकते। तो ए और बी ये दो इनपुट्स है एंड के लिए, और आउटपुट क्या जनरेट हुआ, फिर ए इंटू बी जनरेट हुआ, ठीक है। तो अभी ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल अगर आपने बनाया तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, इनपुट के कितने लाइन से, दो लाइन से, और आउटपुट तो एक ही जनरेट हो रहा है, तो इनपुट ए, ए इनपुट और फिर बी इनपुट, और आउटपुट हम वाई कहेंगे, ठीक है। तो ए इनपुट, बी इनपुट और वाई आपका आउटपुट है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन आपके कैसे बनेंगे, कितने इनपुट लाइन से, इसके हिसाब से कॉम्बिनेशन होते। तो 2:n कॉम्बिनेशन बनते, कितने इनपुट लाइन से, 2 इनपुट लाइन से, तो 2:2 मतलब कितने, 4 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। तो डेसिमल में आपको 0 to 3 लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, 0 0 फिर 0 1 कॉम्बिनेशन, फिर 1 0 और 1 1, ठीक है। ऐसे सिक्वेंशियली ही लिखना आपको, आपके लिए जरूरी है, ठीक है। सिक्वेंशियली आप लिख पाते हैं तभी आपका राइट है, क्योंकि देखो ए, ए को एक ही जगह पर आपने बी लिखा, मतलब ए यहाँ रिप्लेस कर दिया बी यहाँ, तो आपका सीक्वेंस गलत हो जाएगा, और सीक्वेंस गलत होगा तो एसओपी और पीओएस के जो एक्सप्रेशन है वहां गड़बड़ हो जाएगी, जो भी मैंने आपको पिछले वाले एपिसोड में सिखाया एसओपी पीओएस, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी, कैसे होगी मैं बताऊंगा बाद में। तो देखो फिलहाल कंसिडर करो, ये आपका सिक्वेंस है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 into 0 एंड गेट क्या करता है, एंडिंग ऑपरेशन प्रोडक्ट करता है, तो 0 into 0 0 होगा, 0 into 1 भी 0 होगा, 1 into 0 भी 0 होगा, और 1 into 1 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रूथ टेबल यहाँ बन गया। तो इस ट्रूथ टेबल को अच्छे से एनालाइज करो। ट्रूथ टेबल को एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि जब दोनों इनपुट्स हाई होते, दोनों इनपुट जब 1 होते, देन एंड ओनली देन आउटपुट 1 इज जनरेटेड। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ वन ऑफ द इनपुट इज 0, वन ऑफ द इनपुट या इन दो इनपुट में से कौन सा भी एक इनपुट आपका अगर 0 है तो आपका आउटपुट 0 होगा, ये भी हम कह सकते हैं। या तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर सारे इनपुट जब अगर हाई है, सारे इनपुट्स जब आपके हाई होते तभी देन एंड ओनली देन आपका आउटपुट 1 जनरेट होता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, देखो यहां दो इनपुट्स, सारे इनपुट्स आपके हाई है तभी आपको आउटपुट आपको 1 दिखाई दे रहा है, अगर एक भी इनपुट 0 हो जाता है तो आपका आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। तो यहां मैं कह सकता हूं, when all the inputs are high then and only then output 1 is generated। अच्छे से लिख लो, क्योंकि यही कंसेप्ट आगे काम में आने वाली है। ऐसे ट्रूथ टेबल डायरेक्टली रट्टा मार के कुछ नहीं होगा, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट पता होंगे तो ट्रूथ टेबल तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं उसका, ठीक है। तो अगर सारे इनपुट्स 1 होते तभी आपका आउटपुट 1 होता है, ये एंड गेट की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी ऑर्डर पर आए, देखो आप किस ऑर्डर पे फंक्शन ले रहे हैं वो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 4 चाहिए तो 4 चाहिए या 3 चाहिए, 3 कहो, ठीक है। तो 3 चाहिए आपको या 4 चाहिए, 4 ही लेता हूँ, 1 0 0 ऐसे हम 4 से बाइनरी में डिनोट करते हैं, 3 इनपुट एंड गेट होगा तो 3 इनपुट होंगे तो ए बी सी ऐसे हम डिनोट करेंगे, ए बी सी।
अभी अगर इसे मुझे लिखना है एसओपी फॉर्म में, इसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 है ऐसा अज्यूम करो, और इसे मुझे लिखना है एसओपी फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखता हूँ, ये गेट है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 है ऐसा अज्यूम करो। तो एसओपी फॉर्म में मुझे लिखना है तो 1 के लिए मैं नॉर्मली लिखता हूँ और 0 के लिए बार लेके लिखता हूँ, मैंने बताया था। तो यहाँ मैं लिखूंगा ए बी बार सी बार। अभी अगर मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए कर दिया, मतलब बी ए सी ऐसा अगर मैंने कह दिया, ऐसा अगर मैंने कर दिया, तो अभी क्या होगा, अगर यही अगर पोजीशन मैंने इंटरचेंज कर दी और सपोज अभी वो क्या बन गई, फिर 010 बन गई, बराबर है बी ए सी के हिसाब से, तो अभी ये क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा ए बार बी सी बार हो जाएगा। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम एस बी कौन सा है और एल एस बी कौन सा है। अगर आपने ए को एम एस बी कहा तो बी आपका एल एस बी रहेगा, एक आपको एम एस बी हमेशा कंसिडर करके रखना पड़ेगा और एल एस बी एक कंसिडर करके रखना पड़ेगा, इसके हिसाब से ही ऑर्डर रखनी पड़ेगी। ऑर्डर अगर इंटरचेंज कर देते तो यहाँ आउटपुट पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन एस ओ पी और पी ओ एस फॉर्म उसके गलत हो जाएंगे, तो इनपुट में नंबर ऑफ लाइन्स आपको कहाँ कनेक्ट करनी है वो चल जाएगा। ए की जगह पर आपने बी लाइन लगाई या बी की जगह पर ए लगाई तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब आप कहीं भी लगा सकते, ये बी को आप यहां लगा सकते, ए इनपुट को यहां दे सकते, फिर भी आपका आउटपुट ए इनटू बी जनरेट होगा। लेकिन ये इसमें अगर आपने गड़बड़ कर दी ट्रूथ टेबल में तो आपका एसओपी पीओएस फॉर्म गलत हो जाएगा। इसीलिए ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएसबी कौन सा है और एलएसबी कौन सा है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो एंड गेट के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ। अभी एंड गेट पर दो लॉ इंपॉर्टेंट है, एंड गेट के दो इंपॉर्टेंट लॉज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको एसओपी और पीओएस फॉर्म सिखाया है तो इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग अगर एसओपी एक्सप्रेशन मुझे लिखना है तो मैं किसके किस टर्म के लिए लिख सकता हूँ, सिर्फ इस टर्म के लिए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग आउटपुट आपका 1 है, तो इसके आंसर क्या होगा एसओपी फॉर्म का, ए इंटू बी होगा सिर्फ, क्योंकि इसमें कोई सम नहीं होगी, क्योंकि एक ही आपका प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट आपका आ रहा है कि जो 1 है। ठीक है, तो ए इंटू बी मैंने कहा, और पीओएस फॉर्म में उसे मुझे लिखना है तो हम क्या देखते हैं, पीओएस में सारे जो भी इनपुट्स जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 आता है वो हम कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके ये क्या लिखेंगे प्रोडक्ट करके, ए प्लस ये बी बार लिखेंगे इसे, और प्रोडक्ट करके बाद में ए बार प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पीओएस फॉर्म होगा। ये अगर सॉल्व किया तो वो इसका आंसर भी ए इंटू बी आएगा। अभी मैंने वो सिखाया नहीं आपको कैसे रिड्यूस करते, इसीलिए अभी बता नहीं रहा हूं, दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो कहीं से भी एक्सप्रेस करो आप, पीओसी पीओएस से करो या एसओपी से करो। ठीक है, अभी रूल्स के हिसाब पे जाते हैं। एंड गेट पे दो लॉ होल्ड करते, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ और एक होता है आपका एसोसिएटिव लॉ। एक होता है कम्यूटेटिव लॉ और एक होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो देखो एंड गेट है, एंड गेट हमने कंसिडर किया ए इनपुट बी इनपुट और इसका आउटपुट आता है ए इंटू बी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर मैं ये दो इनपुट में से पोजिशन इंटरचेंज कर दू इनपुट की तो आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आउटपुट पे कोई असर पड़ा तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इसका मतलब है अगर मैंने ये गेट ऐसा लिया, यहाँ ए और यहाँ बी, तो मेरा आउटपुट क्या जनरेट हुआ, ए इंटू बी। तो इस गेट को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इस गेट को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, बी को ऊपर ए को नीचे, बी को यहाँ दिया और ए को यहाँ दिया, तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, बी इंटू ए, और बी इंटू ए मतलब ए इंटू बी, वैलिड है ना। 5 × 3 करो या 3 × 5 करो, आपका आंसर 15 ही आने वाला है, तो बी इंटू ए मतलब ए इंटू बी, वैलिड है। तो ये वैलिड है अगर आपने इनपुट पोजीशन इंटरचेंज कर दी, इनपुट में जो नंबर ऑफ लाइन से उसको अगर इंटरचेंज कर दिया तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो इसीलिए यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये गेट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग देखना है तो वैसे भी देख सकते हैं। देखो 0 0 0 होता है, 0 1 क्या होता है, 0 होता है, 1 0 भी 0 होता है, 1 1 1 होता है, ये इसका ट्रूथ टेबल है। तो डालकर देखो, यहाँ 0 0 डालकर देखो, ये ए है, ये बी है, ये आउटपुट है वाई। 0 0 डालकर देखो, आंसर 0 आने वाला है। यहाँ बी ए है, 0 0 0 आने वाला है। 0 1 डालो, 0 1 तो भी 0 आने वाला है। यहाँ बी है आगे, तो 1 0 ऐसे डालो, 1 0 ये भी तो वही आने वाला है। तो ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग आपका मैच हो रहा है, आंसर एक ही आ रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ एंड गेट आपका होल्ड कर रहा है। तो एंड गेट
holds and get holds commutative law. And get holds commutative law. ये important point आप लिख लो आपके notebook में, या आपको अच्छे से आगे जाकर काम में आना है. ऐसे छोटी छोटी concepts अगर पता होगी तो आगे आपको problem नहीं आएगा gate के problem solve करने के लिए. ठीक है, तो commutative law अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा अभी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ. ठीक है, तो अभी देखते हैं associative law. ठीक है, associative law क्या है? तो एसोसिएटिव लॉ थ्री इनपुट एंड गेट के लिए वैलिड है. थ्री इनपुट का गेट होना चाहिए फिर एसोसिएटिव लॉ वैलिड है. ठीक है, कौन सा भी गेट हो, एसोसिएटिव लॉ हो या कम्यूटेटिव लॉ हो, वैलिड करता है. इतना आप ध्यान में रखो, कम्यूटेटिव लॉ सारे गेट्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ ये भी सारे गेट्स के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ नैंड एंड नॉर गेट छोड़ के. वो हम आगे देखेंगे कि वहां क्यों एप्लीकेबल नहीं है, इतना आप फिर ध्यान में रखो. ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? अगर आपके पास थ्री इनपुट का कोई एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट के लिए मैं एसोसिएटिव लॉ पढ़ाने जा रहा हूं. तो ए बी सी ऐसे थ्री इनपुट है एंड गेट के, और वो आउटपुट क्या जनरेट करेगा? फिर ए इंटू बी इंटू सी जनरेट करेगा, बराबर है. तो ये हम ऐसे भी लिख सकते, दो दो इनपुट के एंड गेट को मिलाकर हम थ्री इनपुट का एंड गेट अगर फॉर्म कर पा रहे तो हमारा एसोसिएटिव लॉ वैलिड है. इसका मतलब है किसी भी दो इनपुट को लो, और वो दो इनपुट का एंड करके बाद में रिमेनिंग जो इनपुट है उसके साथ उसका एंड करके बाद में जो आंसर आएगा वो अगर सेम आता है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है. ऐसे में यहां कह सकता हूं, मतलब मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो आपको अगर 2 इंटू 5 इंटू 6 करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप कैसे करेंगे? 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 60, ऐसे करेंगे. या तो फिर आपने 5 इंटू 2 इंटू 6 किया तभी भी 60 आएगा, 5 इंटू 2 10 इंटू 6 60. अगर आपने 6 इंटू 5 इंटू 2 किया फिर भी आंसर एक आएगा. तो ऐसे अगर यहां करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो, ए और बी दो ही इनपुट, कौन से भी दो इनपुट कंसिडर करो, उनका एंड लो ए बी, क्या आएगा आंसर? ए इंटू बी. रिमेनिंग कौन सा है? सी इनपुट. सी इनपुट बाद में लो और इसका आगे जाके एंड कर लो, ये सी है ये ए बी है, तो ए इंटू बी इंटू सी आंसर आपका वही आ रहा है इसके जैसा, तो एसोसिएटिव लॉ वैलिड है. आगे ये भी करके देखो, ये दो इनपुट कंसिडर करो, बी इंटू सी, बी और सी का प्रोडक्ट बी इंटू सी आएगा, और रिमेनिंग इनपुट ए इसके लिए लगाओ और इसका एंड कर दो, ये भी ए इंटू बी इंटू सी ही तो जनरेट कर रहा है. तो एसोसिएटिव लॉ यहाँ होल्ड कर रहा है, एंड गेट आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, यहां से हमें पता चल गया. और वैसे भी दो दो इनपुट के एंड गेट मिलाकर ही थ्री इनपुट का एंड गेट मिलता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है. थ्री इनपुट का डायरेक्टली एंड गेट कैसे बनेगा? नहीं बनता डायरेक्टली, कौन सा भी थ्री इनपुट का एंड गेट नहीं बनता. इंटरनली आप देखो, अभी देखो ये ए बी इनपुट है, सी को बाहर निकालो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है थ्री इनपुट एंड गेट का, उसमें दो इनपुट एंड गेट तो है ही, बीच में अंदर है ही, वो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है ये थ्री इनपुट्स ए बी सी, लेकिन अंदर तो दो गेट है ही ना वैलिड. तो एसोसिएटिव लॉ एंड गेट के लिए होल्ड करता है. तो आप लिख सकते हैं एंड गेट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, एंड गेट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, अभी देखो एसोसिएटिव लॉ होने के बाद अभी हमें और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखनी है एंड गेट के रिलेटेड, कि एंड गेट का इनेबल एंड डिसेबल इनपुट कौन सा है. व्हाट आर द इनेबल एंड डिसेबल इनपुट्स फॉर एंड गेट? इनेबल एंड डिसेबल इनपुट फॉर एंड गेट. तो एंड गेट के लिए इनेबल एंड डिसेबल इनपुट हमें देखना है. तो कंसिडर करो मेरे पास एक थ्री इनपुट का एंड गेट है, ठीक है, थ्री इनपुट का एंड गेट मेरे पास है, ए इनपुट है बी इनपुट है, और ये तीसरा वाला जो इनपुट है इसे मैं कहता हूं कि ये मेरे पास कंट्रोल इनपुट है. कंट्रोल इनपुट मतलब मैं अगर इसे जीरो लगा के रखूंगा तो वो जीरो ही रहेगा, वन लगा के रखूंगा तो वन रहेगा, ठीक है, और ये आउटपुट जनरेट कर रहा है ऐसा अज्यूम करो. तो अगर कोई गेट इनेबल है मतलब वो जो उसका फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है. इनेबल का मतलब क्या है? अगर मैंने कहा कि ये एंड गेट इनेबल है तो वो क्या होगा, जो उसका फंक्शन होगा वो परफॉर्म कर रहा है, ये इसका मीनिंग है. डिसेबल है अगर ये गेट, ये डिसेबल है, ये हम कब कह सकते, अगर ये गेट उसका फंक्शनिंग अच्छे से प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एक ही आउटपुट जनरेट कर रहा है तो वो डिसेबल है फिर ये गेट. ठीक है, तो देखो कंट्रोल इनपुट, ये मैंने एक कंट्रोल इनपुट यहाँ रखा, ठीक है, अज्यूम करो मुझे इनेबल एंड डिसेबल इनपुट क्या है ये निकालना है, इसलिए मैंने इसे कंट्रोल इनपुट दिया. अगर मेरा कंट्रोल इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट आपका हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा, अगर देखना है तो देख सकते.
ए को आप वन पुट करो, बी को वन पुट करो, ये जीरो तो हमने दिया ही है, तो वन इंटू जीरो क्या आएगा आउटपुट, जीरो ही आएगा। अगर वन जीरो पुट करो, ये तो जीरो ही है। हमें एक पता है एंड गेट की कंसेप्ट क्या है, अगर कोई भी इनपुट जीरो होता है तो आउटपुट जीरो आता है। मल्टीप्लिकेशन में जीरो से कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करो, आंसर तो जीरो ही आने वाला है। तो अगर मैंने ये कंट्रोल इनपुट जीरो लगाकर रखा है, तो ए और बी में आप कुछ भी पुट करो, वन वन पुट करो, वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, बाद में आपका आंसर जीरो ही आने वाला है, क्योंकि एक इनपुट मैंने जीरो कर दिया है। तो आउटपुट आपका हमेशा के लिए जीरो आ रहा है। अगर मैंने ये कंट्रोल इनपुट जीरो किया तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, एंड गेट को इनेबल नहीं रख रहा है, ये जो कंट्रोल इनपुट है जीरो, ये एंड गेट को इनेबल नहीं रख पा रहा है। क्योंकि देखो ये अगर जीरो है तो ए और बी में कोई भी फंक्शनिंग अगर होती है तो फिर भी आउटपुट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी, ऐसा हो जा रहा है। इस पर डिपेंड ही नहीं आपका आउटपुट, अगर आपने जीरो यहां रख दिया तो आपका आउटपुट जीरो ही आने वाला है। इसके साथ आप खेलो कुछ भी करो, या आउटपुट आपका जीरो ही आने वाला है। लेकिन एंड गेट का ओरिजिनल फंक्शन क्या है कि ए और बी में कुछ ना कुछ फंक्शनिंग होनी चाहिए। अगर ए और बी अगर चेंज करते तो अकॉर्डिंगली अगर आउटपुट में आपको चेंज दिख रहा है तभी हम कह सकते कि ये गेट इनेबल है, एंड गेट। बराबर है मेरी बात? अगर इसमें चेंज हो रहा है, ए और बी इनपुट बार बार चेंज हो रहा है, फिर भी आपका आउटपुट जीरो है, तो वो किसकी वजह से, आपने ये कंट्रोल इनपुट जीरो करके रखा है। तो ये जीरो क्या है, ये डिसेबल इनपुट है एंड गेट के लिए। क्योंकि अगर आपने ये जीरो करके रखा है तो ए एंड बी का कोई असर आउटपुट पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये एंड गेट क्या है, इट इज अ डिसेबल एंड गेट का ये जो कंट्रोल इनपुट है जीरो, ये आपका डिसेबल इनपुट है। इसे हम कह सकते हैं कि ये डिसेबल इनपुट है एंड गेट के लिए। तो जीरो इज डिसेबल इनपुट फॉर एंड गेट। अगर कोई कंट्रोल इनपुट में जीरो कर देता हूं तो मेरा एंड गेट डिसेबल हो रहा है। अभी अगर ये कंट्रोल इनपुट मैंने वन कर दिया तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, तो मेरा आउटपुट अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अगर मैं ये कंट्रोल इनपुट वन रखता हूं, ये जीरो नहीं, अभी मैंने वन रखा है, तो कंट्रोल इनपुट अगर मैं वन लगाता हूं तो ए एंड बी में अगर कोई इनपुट अगर चेंज करता है, जीरो वन होगा तो आंसर जीरो आएगा, वन वन होगा तो वन आएगा। तो ए एंड बी के अकॉर्डिंग आपका फंक्शनिंग हो रहा है एंड गेट का प्रॉपरली। ए एंड बी अगर चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। अगर मैंने कंट्रोल इनपुट को वन पुट किया तो मेरा आउटपुट अकॉर्डिंग टू ए एंड बी आ रहा है, अकॉर्डिंग टू ए एंड बी। मतलब आपका फंक्शनिंग प्रॉपरली हो रहा है, यहाँ फंक्शनिंग अगर प्रॉपरली हो रहा है, एंड गेट का प्रॉपर फंक्शन हो रहा है, ए एंड बी के अकॉर्डिंग वो चेंज कर रहा है, तो ये वन अगर आपने कंट्रोल इनपुट डाला तो इट इज इनेबल इनपुट फॉर एंड गेट। एंड गेट के लिए वन ये इनेबल इनपुट है और एंड गेट के लिए जीरो ये डिसेबल इनपुट है। तो एक लाइन अच्छे से आप नीचे लिख सकते फॉर एंड गेट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछे जाते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो फॉर एंड गेट जीरो इज डिसेबल इनपुट, जीरो अगर कर दिया कंट्रोल इनपुट तो वो डिसेबल इनपुट रहेगा, और वन क्या रहेगा, वन इज इनेबल इनपुट, वन इज इनेबल इनपुट, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये एंड गेट के लिए जीरो और वन ये डिसेबल और इनेबल इनपुट होते। और गेट के लिए देखेंगे तो जीरो आपका इनेबल इनपुट रहेगा और वन आपका डिसेबल इनपुट रहेगा, कैसे आगे जाके हम देखने ही वाले, ठीक है। तो इनेबल एंड डिसेबल इनपुट की कंसेप्ट एंड गेट की अच्छे से अगर आपको पता चल गई है तो अभी हम बढ़ते और गेट की तरफ, ठीक है। तो और गेट हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो अच्छे से ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो अगर आप अच्छे से पकड़ते हैं तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही आसान है। देखो और गेट हम देखने वाले, और गेट में क्या लेंगे, टू इनपुट का एक और गेट कंसीडर करो। तो देखो ये और गेट का ऐसा सिंबल है, ये और गेट का सिंबल है, ए और बी ऐसे दो इनपुट मैंने कंसीडर किए। और गेट क्या करता है, ऑरिंग करता है, ऑरिंग मतलब वो सम कर देता है, ठीक है, और करता है ए प्लस बी, इसका आंसर आएगा ए प्लस बी। ये गेट क्या करता है, ऑरिंग ऑपरेशन करता है। इसका ट्रूथ टेबल अगर निकालेंगे तो ए बी ये दो इनपुट लाइन्स रहेगी, वाई ये आपकी आउटपुट लाइन रहेगी, ठीक है, वाई आपकी आउटपुट लाइन से, ठीक है। तो यहाँ टू टू हमारे इनपुट से, तो कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, चार आएंगे, टू रेस टू टू फोर, तो जीरो टू थ्री हम लिखेंगे डेसिमल के फॉर्म में। तो बाइनरी में कैसे लिखेंगे, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो देखो आंसर क्या आएगा और गेट का, आपको तो पता ही है अच्छे से, ये जीरो प्लस जीरो जीरो होगा, जीरो प्लस वन वन होगा, वन प्लस जीरो वन होगा, वन प्लस वन भी वन ही होगा, ठीक है बाइनरी में। तो देखो यहाँ एक कंसेप्ट आपको अच्छे से यहाँ से पता चल जाती है कि
कि अगर एक भी इनपुट आपका हाई है, एक भी इनपुट, यहाँ देखो एक ही इनपुट तो हाई, एक भी इनपुट हाई तो आपका आउटपुट हाई जनरेट होता है, एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई होता है। और एक अच्छे से हम ये भी कह सकते कि अगर दोनों इनपुट आपके जीरो है, दोनों इनपुट अगर आपके लो है तो भी आपका आउटपुट लो होता है, अगर एक भी इनपुट हाई है तो आपका आउटपुट हाई होता है, मतलब वन होता है। ठीक है, तो ये लाइन अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज हाई, व्हेन वन ऑफ द इनपुट, इफ वन ऑफ द इनपुट इज हाई आउटपुट विल बी हाई, इफ वन ऑफ द इनपुट इज हाई आउटपुट विल बी हाई, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एंड गेट की सॉरी और गेट का इम्पोर्टेंट, ये आपको अगर पता है कंसेप्ट तो और गेट का ट्रूथ टेबल आप अच्छे से बना सकते, एक भी इनपुट हाई तो आउटपुट आपका हाई होगा। ठीक है, ठीक है, फिर अभी हम और गेट का कम्यूटेटिव लॉ डिस्कस करते कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है और गेट के लिए। तो वो एंड गेट का अगर अच्छे से आपको पता चल गया है तो और गेट का कम्यूटेटिव लॉ भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा, कोई या इसमें कोई स्पेशल नहीं है। देखो अभी देखो, और गेट मैंने ड्रॉ किया, ए बी दिया तो ए प्लस बी आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने ऐसा दिया तो क्या चलेगा मुझे? देखो ए की जगह पर बी इनपुट दिया, बी की जगह पर ए इनपुट दिया, तो फिर भी आपका आंसर बी प्लस ए आएगा, मतलब वो ए प्लस बी ही तो रहेगा। आपने 4 प्लस 2 किया तो भी 6 आएगा, 2 प्लस 4 किया तो भी 6 आएगा, बराबर है। तो कम्यूटेटिव लॉ आपका होल्ड कर रहा है और गेट के लिए। तो यहां से आप लिख सकते कि इनपुट की पोजीशन आप इंटरचेंज करने के बाद रिजल्ट पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप यहां लिखो, एक लाइन आप लिखो कि और गेट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, और गेट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ आपका और गेट होल्ड करता है। अभी एसोसिएटिव लॉ की तरफ मूव करते कि व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ फॉर एंड गेट, क्या एसोसिएटिव लॉ वैलिड करता है और गेट के लिए, वो हम देखने वाले। तो देखो और गेट के लिए एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड है, कैसे? देखो अगर थ्री इनपुट का एक और गेट मैंने कंसिडर किया, थ्री इनपुट लेने पड़ते एसोसिएटिव लॉ के लिए, तो ए बी सी ये थ्री इनपुट से आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, और गेट तो यहां मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, या दोनों, ये दोनों ए और बी दोनों इनपुट की अगर मैंने ऑरिंग कर दी और बाद में सी के साथ उसकी ऑरिंग कर दी, इसके आउटपुट की बाद में सी के साथ ऑरिंग की, फिर भी आपका आंसर अगर ये आता है तो एसोसिएटिव लॉ आपका होल्ड करता है। तो देख सकते हैं आप, ए और बी ये दो ही इनपुट मैंने कंसीडर किए तो आंसर आएगा ए प्लस बी आउटपुट आएगा। ठीक है, और सी आपका रह गया है तो सी और ये ए प्लस बी ये दोनों की, ये सी इनपुट है, सी और ए प्लस बी दोनों की आपने फिर से ऑरिंग की तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो दो इनपुट के और गेट लेके भी आपका थ्री इनपुट का एक और गेट यहाँ बन सकता है, इसका मतलब भी हम कह सकते हैं कि और गेट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ए बी लिखो चाहे सबसे पहले ए बी इनपुट लो, या बी सी लो, बी सी इनपुट लिया तो बी प्लस सी होगा, रहने वाला ए रहेगा फिर, तो बी प्लस सी प्लस ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हो ही जाएगा आपका आउटपुट। तो और गेट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, लिखो और गेट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। दो इनपुट और गेट से हम ज्यादा और थ्री इनपुट और गेट बना सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। मतलब दो इनपुट और गेट से हमें जितने चाहिए उतने दो इनपुट और गेट लगाते हैं, और वो लगाकर ही जितने ज्यादा आपको जितने ज्यादा इनपुट के और गेट बनाना है उतने आप बना सकते हैं, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ भी अच्छे से पता चल गया होगा आपको और गेट का। अभी हम देखते हैं व्हाट इज इनेबल एंड डिसेबल इनपुट फॉर और गेट, इनेबल एंड डिसेबल इनपुट फॉर और गेट। तो और गेट के लिए इनेबल एंड डिसेबल इनपुट क्या रहेगा, तो देखते एक थ्री इनपुट का और गेट कंसिडर करो। थ्री इनपुट का मैंने ये एक और गेट कंसिडर किया, एक का इनपुट है ए, एक का इनपुट है ए बी, और एक इनपुट मेरे हाथ में, मतलब ये एक कंट्रोल इनपुट है। ठीक है, कंट्रोल इनपुट, तो आउटपुट क्या जनरेट करता है? अगर मैंने कंट्रोल इनपुट को जीरो कर दिया, कंट्रोल इनपुट को अगर मैंने जीरो कर दिया तो क्या होगा, जीरो कर दिया तो ये ए और बी के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट कर पाता है या नहीं, ये देखते। ए को जीरो डालो, बी को जीरो डालो, जीरो प्लस जीरो जीरो ये देगा। ठीक है, ए को वन डालो, बी को जीरो डालो, और ये तो जीरो ही है, तो वन प्लस जीरो देगा।
यहां जीरो डालो, यहां वन डालो, यहां तो जीरो है ही, जीरो प्लस वन प्लस जीरो ये भी वन देगा, बराबर है। यहां वन डालो, यहां वन डालो, यहां तो जीरो है ही, वन प्लस जीरो वन ही देगा, बराबर है। मतलब ए और बी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन आउटपुट में जनरेट कर रहा है, आउटपुट आपका जनरेट कर रहा है, आपका जो वाई आउटपुट है वो ए एंड बी के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो रहा है, अगर आप ए एंड बी को चेंज करते हैं तो कंट्रोल इनपुट अगर मेरा जीरो है तो कंट्रोल इनपुट जीरो का मतलब है कि ए और बी के अकॉर्डिंग अगर ऑपरेशन होता है तो वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि जीरो का कोई असर नहीं पड़ रहा है ए और बी में। इसीलिए इसे मैं कहता हूं कि ये इनेबल इनपुट है और गेट के लिए। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगर कंट्रोल इनपुट को मैं वन कर दे दू तो वो क्या होगा, वन अगर कर दू तो देखो यहां आप जीरो डालो, यहां जीरो डालो, ये वन तो है ही, अभी आपने इसे वन किया है तो जीरो प्लस वन वन जनरेट किया। अभी इसको वन डालो, वन प्लस जीरो प्लस वन तभी वन जनरेट कर रहा है, इसको वन डालो, इसको जीरो डालो, जीरो प्लस वन फिर भी वन जनरेट कर रहा है, इसको भी वन डालो, वन प्लस वन फिर भी वन जनरेट कर रहा है, तो सारे केसेस में ये तो वन ही जनरेट कर रहा है, मतलब एक कांस्टेंट आपका आउटपुट आ रहा है, मतलब जैसी ऑरिंग होनी चाहिए, फंक्शनिंग होनी चाहिए, वैसी फंक्शनिंग यहाँ नहीं हो रही। मतलब देखो आपने जीरो जीरो जब डाला था तो आंसर आपका उसके अकॉर्डिंग तो जीरो आना चाहिए था, लेकिन ये वन होने की वजह से आपका आंसर वन ही आया। तो कंट्रोल इनपुट अगर वन है तो आपका आंसर, आपका जो आउटपुट है वो वन ही आने वाला है पूरे के पूरे, मतलब चाहे ए और बी में कोई भी चेंज आता है तो आपका आउटपुट आउटपुट में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अभी आउटपुट हमेशा के लिए आपका वन आ रहा है, तो ये अभी उसके फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, ऐसा हम कह सकते। तो वन अगर आपने कंट्रोल इनपुट डाला और गेट के लिए तो वो होगा डिसेबल इनपुट फॉर और गेट, ये होगा डिसेबल इनपुट फॉर और गेट। तो और गेट के लिए एक लाइन अच्छे से आप नीचे लिख सकते, फॉर और गेट जीरो इज, जीरो इज लिखो या इनेबल इनपुट, और वन इज लिखो या डिसेबल इनपुट। ठीक है, जीरो आपका इनेबल इनपुट है, वन आपका डिसेबल इनपुट है। तो एंड गेट और गेट अच्छे से अगर आपको ये पता चल गया है तो उसके बेसिस पर बुलियन थ्योरम के जो भी आपके प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, अगर एंड गेट और गेट अगर अच्छे से पता चल गया है तो। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो अच्छे से आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो इसके बेसिस पर ही आपका आगे का वीडियो है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये जो आपके बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस है एंड और, ये तो आपको अच्छे से पता ही होंगे, हम डिटेल में गए, अच्छे से समझ में आ ही गया होगा आपको। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम अभी बुलियन थ्योरम पर मूव करने वाले हैं अगले वाले एपिसोड पे। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।